अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद रूमा खान। आज मैं आप लोगों के सामने फ़िश कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, यानी मछली के कबाब। बहुत ही आसानी से हम घर पे बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मछली को अच्छे से वॉश कर लिया है। अच्छे से धोकर मैं इसे बॉयल करूँगी। थोड़ा नमक डालकर, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, और थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, और इसमें 4 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे। पानी बहुत ही कम डालना है हमें, और इसको मैं 6-7 मिनट के लिए बॉयल कर लूँगी। थोड़ा सा साइड इसका चेंज करेंगे एक, और फिर इसे मैं ढककर पकाऊँगी। ये रावस मछली है जो बहुत ही जल्दी गल जाती है, और इसमें कांटे बहुत कम होते हैं। और ऐसा अगर हम बॉयल करके लेंगे तो इसमें क्या होएगा, बहुत ही आसानी से हम इसके कांटे अलग कर सकते हैं। अब मैं इसे ढककर पकाऊंगी। 6-7 मिनट हो गए हैं, अब इसको चेक करते हैं। हमारी मछली एकदम गल गई है। अब मैं इसका पानी पूरा ड्राई कर लूँगी, फुल फ्लेम पे सारा पानी सुखा लूँगी, और इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे। थोड़ा ठंडा हो गई है। अब मैं इसके ऊपर की जो स्किन है उसको रिमूव कर लूँगी। बहुत ही आसानी से स्किन हम ये रिमूव हो जाती है बॉयल होने के बाद, और इसमें कांटे बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं, इसमें कांटे ज़्यादा नहीं होते हैं। अब मैं इसके जो भी 1-2 कांटे होंगे उसे रिमूव कर लूँगी। अगर आपकी मछली कांटेदार है ज़्यादा, तो भी ऐसा करने से बॉयल करने के बाद बहुत ही आसानी से हम सारे कांटे अलग कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा मछली से कांटे सारे मैंने अलग कर लिए। ये सारा मछली का पूरा कीमा जैसा बन गया, और मैंने इसे हाथ से ही सब मसल के किया है। फिर इसमें 4 टेबल स्पून मैं बेसन ऐड करूँगी भुना हुआ, और फिर उसमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक कट करके ऐड करेंगे। 2 से 3 हरी मिर्ची ऐड करेंगे, थोड़ा हरा धनिया ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है उसे ऐड करेंगे, और 1/2 लेमन जूस ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे, और 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, क्योंकि मैंने बॉईल करने के टाइम भी नमक डाला था। 1 अंडा इसमें ऐड कर देंगे, इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है और हमारे कबाब भी अच्छे सॉफ्ट बनेंगे। अब मैं इसे सब मिलाकर इसके कबाब बनाएंगे। कबाब आप अपने हिसाब से छोटे बड़े बना सकते हैं, जैसा चाहें। मैं इस तरह से 6 कबाब मैंने रेडी कर ली हूँ, और बाकी के बाद में बनाऊँगी। अब मैंने यहाँ पर तेल गर्म होने के लिए पहले से रख दिया था थोड़ा, फिर उसमें सारे कबाब को मैं बिछा दूंगी। हमें शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। अब मैं इसे दूसरी तरफ साइड उसका चेंज करूंगी। मीडियम आंच पे हमें कबाब को फ्राई करना है, ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाएंगे और बाहर से भी। फ्लेम हमारी मीडियम है, हाई पे नहीं करना है। ये देखिए, हमारे कबाब रेडी हो गए हैं। हमारे मछली के कबाब रेडी हो गए हैं। ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट में बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए एंड शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।